नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र, इन दोनों के बारे में आपको कुछ खुशखबरी बतानी है। लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में मिलते रहे। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के इस वीडियो में हम ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र दोनों के बारे में कुछ खुशखबरी देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में अभी 8072 ग्राम पंचायतों, ग्राम जो कचहरी होते हैं उसके लिए सरपंच और पंच का चुनाव अभी चल रहा है। जी हाँ, ये मतदान आपको बैलेट पेपर से हो रहा है और कई सारे जगह पे हो गए हैं और आखिरी चरण जो है अभी जो है बाकी है, कुछ एक स्थानों पे जो है ये बाकी है। तो अब जो है ये 8072 जो नए सरपंच और पंच चुन के आएंगे उनके पास ग्राम कचहरी होगी। तो ग्राम कचहरी में तो कुछ लोग चुन के आते हैं लेकिन कुछ लोग जो है इसमें हमेशा बने रहते हैं, मतलब एक कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क ही होता है लेकिन एक निविदा पे ही कार्य मिलता है उनको, लेकिन वो लगातार बने रहते हैं। इसमें जो सर्वप्रथम है वो है न्याय मित्र और दूसरे हैं ग्राम कचहरी के सचिव। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो ग्राम कचहरी के सचिव हैं वो बेसिकली जो है उनको उनका मानदेय यानी उनको उनको जो भी कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ भी मिलता था, जो कुछ भी उनको रकम, उनका जो सैलरी होता था, क्योंकि ग्राम कचहरी में सिर्फ ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र इन्हीं दोनों लोगों को एक सैलरी दी जाती है, इनका एक दरमाहा होता है, बाकी अन्य लोग जो है उन्हें भत्ते मिलते हैं। तो ग्राम सचिव का जो, ग्राम कचहरी का जो सचिव का जो पद है वो काफी खासे महत्व का है। और हाल ही में नीतीश कुमार की सरकार ने ग्राम कचहरी सचिव के पद को लेके एक बड़ा फैसला, एक बड़ा ऐलान किया है। इसके पहले होता क्या था कि ग्राम कचहरी के जो सचिव होते थे उनको कई दफा जो है उनको अपने सैलरी लेने में दिक्कत होती थी, क्योंकि उनका जो सैलरी होता था वो वहां से ग्राम कचहरी के सचिव सरपंच से वो जब साइन करते थे चेक पे तभी उनको उनकी सैलरी मिल पाती थी। सेम ऐसा ही यही बात जो है न्याय मित्र के साथ भी होता था। तो ऐसे में कई बार राजनीति का शिकार भी हो जाते थे, क्योंकि सरपंच जो है अपने चाहते थे, जो कोई भी सरपंच चाहते थे वो अपने मन के हिसाब से, अपने मन मुताबिक निर्णय नहीं होने पे वो कई दफा जो है उनके जो मानदेय हैं वो लटके रहते थे। और एक तरह से आपको बताएं, ये जो ग्राम कचहरी जो सचिव होते हैं वो पूरी तरह से उनका फुल डे जो है उनका पूरा ये फुल डे इसमें चला जाता है, पूरा दिन का उनका ये कार्य है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि उनको बहुत सारे कागजातों को रखना, उसको मेंटेन करना, उसके लिए डायरी बनाना, तो बहुत सारे कार्य उनके जिम्मे होते हैं। ऐसी स्थिति में जब उनको महीने के आखिर में दरमाहा नहीं मिलता, जब महीने के आखिर में उनका सैलरी वेतन रुक जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें काफी समस्या होती है और इसका असर ग्राम कचहरी पे भी होता है। यही हाल लगभग न्याय मित्रों के साथ भी है। कई दफा आपसी जो है, जब पंच और उप सरपंच और उप सरपंच और पंचों के बीच में जब कुछ वैसा राजनीतिक मतभेद होता है तो वैसी स्थिति में जो न्याय मित्र होते हैं उनके भी पैसे फंस जाते हैं और ऐसे में जो वहां का कार्य है सुचारू रूप से नहीं चल पाता। मैं आपको बता दूं, न्याय मित्र जो होते हैं वो ग्राम कचहरी में सरपंच को जो न्यायिक जो प्रश्न होते हैं उन पे उनको सुझाव देते हैं, जो कुछ भी, क्योंकि ग्राम कचहरी में जो छोटे मोटे झगड़े झमेले होते हैं उनको सुलझाने के लिए एक ग्राम कचहरी बनाया गया है, जहां पे बगैर लिटिगेशन किए हुए, बगैर आपको कोर्ट में केस किए हुए ही सारा चीज आपसी समझौते से ही ये निपट जाता है। लेकिन कई दफा जो है जो न्याय मित्र जिनको वहां पे सैलरी देकर रखा गया इनकी सैलरी रुक जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो बिहार सरकार है उन ग्राम कचहरी के जो सचिव हैं और जो न्याय मित्र हैं इन दोनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब उनका मानदेय जो है वो डायरेक्ट उनके खाते में जाएगा। जी हाँ, अब उनको सरपंच या पंचों के पीछे या उप सरपंच के पीछे जो है पीछे पीछे नहीं दौड़ना अपनी सैलरी, अपने मानदेय के लिए। अब ये जो है सरकार के द्वारा, पंचायती राज विभाग के द्वारा, जी हाँ मैं आपको बता दूं कि ये सारा जो है पंचायती राज विभाग के द्वारा उसकी इसकी देखरेख की जाती है। तो पंचायती राज विभाग के द्वारा अब ये जो मानदेय है ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र की वो सीधे उनके खाते में जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है, इससे जो है न्यायिक प्रक्रिया और ज्यादा सुचारू ढंग से चलेगी और जो
जो समस्या आ जाती है, क्योंकि ग्राम कचहरी सचिव के जिम्मे बहुत सारे कार्य होते हैं और न्याय मित्र जो है न्याय, क्योंकि ग्राम कचहरी में सब कुछ न्याय से संबंधित ही तो होता है, तो वैसी स्थिति में जो न्याय मित्र हैं वो बहुत सारे सलाह सुझाव और मशवरे देते हैं, जिससे आपसी बात विचार से जो है समझौते के जरिए बहुत सारे जो विवादों का निपटारा किया जाता है। लेकिन जब उनकी सैलरी ही फंसी रहती है तो फिर उनका भी काम करने में दिल नहीं लगता और ऐसी स्थिति में ग्राम कचहरी को जो है सुचारू ढंग से चलाने में भी दिक्कत आ जाती है कई बार। तो ऐसी स्थिति में बिहार सरकार ने जो ये नई पहल की है कि ग्राम कचहरी के जो सचिव हैं और न्याय मित्र हैं उनको अब जो है उनके खाते में ही मानदेय मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो अब तक का यही अपडेट है ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र के ऊपर। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।